गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी एंड विद मी इज डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर, एंड बोथ ऑफ अस आर वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर सिमरन। सिमरन गॉट अ रैंक ऑफ 1021 इन द नीट पीजी एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्पर्श गुप्ता एंड इट इज इंडीड अ प्लेजर एज डॉक्टर प्रवीण मेड अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ वंडरफुल टॉपर एंड अ ब्राइट यंग मेडिको विद अस डॉक्टर सिमरन। Before we proceed with the other things, Dr. Simran, we would just like you to introduce yourself in few lines. Hi, myself is Dr. Simran Tejwani. I'm from 2018 batch from Gitanjali Medical College, Udaipur. Got a rank of 1021 in recent NEET PG. So, ladies and gentlemen, there you notice that Simran has managed to get that wonderful rank in her very first attempt. And the icing on the cake has been that she has graduated from a private medical college. Again, one of our many many students who are shattering that myth and coming out with flying colors. So how exactly do you think Simran cerebellum app help you in achieving this rank? Sir, definitely accountability thing, sir. Matlab, whenever we lost hope, that thing has to be there. Matlab, that is the most unique feature. Every time, sir, matlab, समझने, बच्चों को समझ करके जो आप लोग निकालते थे ना कि इनको इस चीज की जरूरत है, आप लोग वही चीज, मतलब यू यूज टू प्रोवाइड द बेस्ट प्लेटर वी कुड हैव हैड। आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्टेड एंड वुड नेवर, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट। प्लीज 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 गो अहेड सिमरन, प्लीज गो। मतलब यस सर, मतलब ऑल दी ईएनडीज, बी इट बीटीआर, बी इट मिशन नीट, एवरीथिंग, मतलब सर सर्जरी, पैथो, मतलब अंदर अंदर के कॉन्सेप्ट थे। इसमें तो ये टॉपिक भी मिसिंग था, मतलब ब्रेस्ट के मैनेजमेंट में ना ये वाला पॉइंट मिसिंग था, मतलब उतना गहराई तक जा करके। एंड द फ्रेंडली नेचर, आई मीन दो इट वॉज वेरी होमली एनवायरमेंट इज वॉट आई फेल्ट, मतलब एवरी टाइम। So Simran, if we can look back upon your journey, you were just having a chat. You said that from the second year itself, you started watching some videos, like you started watching videos of Spurs sir and GRG sir. So in the second year itself, were you very focused that I have to crack NEET PG in the first attempt? I mean, was it a सर, very देयर वाज डेफिनेटली अ थिंग सर, मतलब क्योंकि देयर इज अ स्टिग्मा ऑलवेज कमिंग फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज दैट वुड आई बी इवन एबल टू डू इट और नॉट। सो इट वाज देयर बट नेवर रियली फोकस्ड, मतलब ये रहता था एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम भी ढंग से निकल जाए, इतना तो हो जाए। एंड डेफिनेटली मतलब वो स्पर्श सर और गोविंद सर के लेक्चर से, मतलब कि इट वाज सर कोविड टाइम एज वेल, सो वी वर लाइक घर पे ही बैठे हुए थे, लाइक माइट एज वेल, लाइक हम लोग को देखना ही है, द बेस्ट वी हैव हैड। तो उस वजह से हम लोगों ने लेक्चर्स देखे थे, और हम लोगों को था यूनिवर्सिटी उस टाइम पे मेन फोकस रहता था। तो बट साथ ही साथ जैसे कि स्पर्श सर की बुक में भी देर यूज टू बी सम एमसीक्यूज, तो हम लोग वो सॉल्व वो लगा लेते थे। एंड आई हैड अ फ्रेंड, मतलब जिज्ञासा, शी ऑल्सो गॉट अमेजिंग रैंक। तो हम लोग साथ में डिस्कस करके, मतलब शुरुआत से हम लोग का ऐसा था कि डिस्कस करके पढ़ाई करने थे, तो हमको पता पड़ जाता था ऐसा। स्पर्श सर, मैं पिछले 2-3 दिन में आई मस्ट हैव इंटरव्यूड लाइक 15 स्टूडेंट्स। आई थिंक हाफ ऑफ देम सेड दिस थिंग दैट फ्रॉम द सेकंड ईयर दे स्टार्टेड वाचिंग योर पैथोलॉजी वीडियोस एंड जीआरजी सर फार्मा वीडियो। सो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। आई मीन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो। कल कल आई आई वॉन्ट टू रैंक 71, ही ऑल्सो सेड कि यार स्पर्श सर के वीडियोज देखते थे, जीआरजी सर के वीडियोज देखते थे। एक बच्चे ने बोला कि वो वीडियोज मुझे वेब सीरीज से लगते थे, कि टाइम मेहनत नहीं लगती थी, ऐसी भी आता था। तो आई थिंक दैट्स म्यूजिक टू द इयर्स ऑफ एनी एजुकेटर, एनी टीचर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट इज आई थिंक व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर डॉक्टर प्रवीण, एंड इट इज हार्टनिंग टू नो बिकॉज यू नो एज शी सेड, शैटरिंग दैट मिथ एंड ब्रेकिंग दोज बैरियर्स इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ हैविंग सेरिबेलम एज अ प्लेटफॉर्म। सो बी इट राइट इन टर्म्स ऑफ यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, बी इट द लाइव सेशंस और गिविंग अ कॉन्टेंट विच पीपल कैन रिलेट टू। सी दीज पीपल आर आई थिंक जेन्युइनली वॉरियर्स बिकॉज ऑफ द पोस्टपोनमेंट्स ऑफ द एग्जाम, बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच हैव हैपेंड विद देम। एंड आई थिंक इफ वी पुट इन एन एफर्ट थिंकिंग अबाउट वट कैन बी डन टू बेस्ट सूट देम एंड दे कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, आई थिंक वट मोर कैन बी आस्क फॉर। राइट सर, वेरी वेल सर। सो सिमरन, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी मोर, सो फ्रॉम द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टार्टिंग वॉचिंग सम वीडियोस, बट इट वॉज नॉट रियली फोकस टुवर्ड्स द पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बोथ एज वेल एज यूनिवर्सिटी। एंड देन यू हैपन टू कम टू द सेरिबेलम इवेंट लास्ट ईयर, द सेरिबेलम हम इवेंट, राइट? एंड यस आफ्टर सर, दैट यू स्टार्टेड यूजिंग द प्लेटफॉर्म मोर सीरियसली एज अ प्रिपरेशन सोर्स। सो वॉट यस एग्जैक्टली डू गो फॉर सिमरन? आई मीन देर आर मिशन वीडियोज विच आर बेसिकली लाइव लेक्चर्स। डिड यू अटेंड मेनी ऑफ दोस? सर, आई एक्चुअली डिड द ईएनडी इन बिकॉज सर हाँ टेस्ट दे करके उसके बाद, क्योंकि हर एक टीचर्स को पता होता है कि यू विल फॉल शॉर्ट एट दिस प्लेस,
तो वो लोग ना ट्विस्ट, मतलब एक ही वो चीज बहुत ट्विस्ट हो जाती है, मतलब दे एक्चुअली नो, तो वो चीज बहुत हेल्प करी कि तुम यहाँ पे गलत करोगे एंड यहीं पे ही मात नहीं खाने, क्योंकि एग्जाम में यू लगता है कि ना 42 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चन इज मोर, बट एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि चीज डर सब कुछ चल रहा होता है, तो वो शब्द मतलब इतना जल्दी तुम सॉल्व कर पाओ उस चीज को कि वो रिफ्लेक्ट बन जाए, इज वॉट ENDs आई गेट, द मतलब बहुत प्रैक्टिस ऑफ सही द किया. आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज इज व्हाट वी लर्न व्हेन वी डू द ईएनडीज यस सर, एंड डेफिनेटली. यू ऑल्सो मेंशन दैट यू यूज बीटीआर द कंसाइज सोर्स टू यू नो हैव अ ग्रास्प ऑन ऑल द थिंग्स इम्पॉर्टेंट यस सर. हाउ डिड बीटीआर हेल्प सर आई वॉज जेनविनली, मतलब आई स्टार्टेड गिविंग GTs इन द वेरी अर्लियर फेज, तब तो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश था, तो हर हफ्ते में ऐसे एक दे देते थे, पर लगा इतना तो नहीं, अभी थोड़ा सा एनालाइज भी करो, तो स्टार्टिंग में एनालाइज पार्ट में थोड़ा सा करी थी, एंड माई स्कोर स्टार्टेड ओनली फ्रॉम 120s to 130s, तो मुझे लगा था कि मैं इतना प्रॉपरली उन्हें एनालाइज नहीं कर रही थी, बट देन देन उस चीज का रिफ्लेक्शन ये हुआ कि प्लेटू मेरा बहुत, मतलब इट वॉज अ वेरी प्रोलॉन्ग प्लेटू, जैसे ही मेरे खुद के भी मैं कंसाइज नोट्स थे ना, उससे भी इतना इफेक्ट नहीं आ रहा था, देन आई स्टार्टेड BTR एंड दैट वाज द एग्जैक्ट थिंग, क्योंकि मैम ने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में जहां पे एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना उस चीज को भी बताया. काफी लोग ये BTR इनफ वाला जो करते हैं सर, मतलब आई थिंक उसका पॉइंट आई डोंट नो कहाँ से आता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि SIADH में वाटर लोडिंग या डिप्रिवेशन का रीजन कुछ भी चीज क्यों कर रहे हैं, वो तो आपको खुद को जानना है, मैम ने वो लिखवाया है, उसका बैकग्राउंड मैम काफी हद तक बता देती है, पर अगर नहीं बताया है तो वो तुम्हारा, वो यू हैव टू गो बैक एंड सी, वो फिर उस चीज को मेमोराइज करोगे एंड व्हेन यू फॉल शॉर्ट वो चीज पे ब्लेम करना लग. नहीं दैट इज वेरी ट्रू सिमरन आई मीन दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग एंड जैनर मैम हैज आल्सो सेड द सेम थिंग दैट आई मीन नोबडी हैज एवर क्लेम कि आप कुछ और मत पढ़ो वी ऑलवेज से दैट बीटीआर इज दैट हाई यील्ड कंसाइज थिंग दैट यू हैव टू डू एंड देन यू हैव टू एड मल्टीपल थिंग्स अराउंड इट तो चलो एनीवेज लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि नहीं उसमें एक बिल्कुल और बात सर ये हो जाती है ना लर्निंग फ्रॉम हर ओन एग्जाम्पल दैट द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज वंस यू आर लेट अस से स्टार्टिंग एट अ वेरी अपॉर्चून टाइम आई मीन आई वुड नॉट से कि गो इन टू अ फोमो मोड एंड स्टार्ट इन द वेरी फर्स्ट ईयर बट येस टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स इन अ बेटर वे इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट इन द सेकंड ईयर इटसेल्फ वॉच द मेन वीडियोज बिकॉज दैट्स वेर यू हैव द टाइम आई मीन यू हैव दैट लग्जरी ऑफ हैविंग द इन्वेस्टिंग द टाइम एंड देन वॉचिंग एंड गोइंग इन फॉर द लाइव क्लासेस विच विल मेक यू डिसिप्लिन एंड फोकस्ड राइट एंड देन एज अ सुपर कॉन्साइज यू नो वंडरफुल रिसोर्स मटीरियल वट डॉक्टर जैनब मैम टीचेज यू सो ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी वंडरफुल अप्रोच बट एवरीथिंग इज इंटरलिंक यू कैन नॉट बिल्कुल थिंक दैट यू नो यू कैन जस्ट वॉच द मेन वीडियोज नॉट प्रैक्टिस द टेस्ट यू जस्ट वॉच द बीटीआर एंड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ बेसलाइन सो ऑल दोस थिंग्स आर लिंक्ड वेरी राइटली सर, सेड डेफिनेटली, मतलब क्योंकि हम देखते थे शुरुआत में जब हम स्पर्शर वगैरह के पैक तो भी देखते थे ना, उस टाइम पे जब पोस्टिंग लगती थी, तो जितना भी थोड़ा बहुत पता होता था डिजीज के बारे में, उस टाइम पे ये चीज भी बहुत ज्यादा फन लगती थी कि एम्फाइसिमा पिंच पफर्स ऐसे सब, अगेन व्हेन यू सी द बैरल चेस्ट थिंग एंड ऑल, तो वो सब ना बहुत इनबिल्ट बन जाता था, वो सब बहुत हेल्प करता था, हाँ जी क्योंकि हाँ वो जी चीज ऐसे सबकॉन्शियस में होना मेरे को लगता है काफी हेल्प करता है. अग्रीड अग्रीड एब्सोल्युटली और व्हाट हैज बीन डू यू थिंक द रोल ऑफ द लेट नाइट पीवाईक्यू मैराथन सिमरन सर एंडिंग में, क्योंकि इतने 3-4 बार मतलब जो हो गए थे पोस्टपोनमेंट्स, एंड जब एकदम लास्ट डे के बाद लास्ट मंथ सब्जेक्ट टेस्ट द PYQ सेशंस हमने शुरुआत में मैं दे रही थी, हम लोग दे रहे थे, बट इतना रेगुलर नहीं था, क्योंकि रोज इतने आते थे तो, क्योंकि और मतलब लगाते भी थे, बट बाद में सर ने कहा था कि 32 के बाद वाले तुम्हारे सारे कवर हो जाएंगे, तो लाइक राइट दीज आर लाइक मेरे को ये तो करने ही है, तो राइट कितने भी लग रहे हैं जो भी ब्रेक्स इन बिटवीन द ब्रेक्स हम लेते थे ना, क्योंकि PYQ ऐसा लगता था कि हाफ टाइम में भी हो जाते थे मे बी, तो वो कर लो, और करने के बाद डिस्कशन की यार PYQ क्यों, क्योंकि वी से कि PYQ तो हो जाएंगे बट नहीं होते थे, काफी हाँ जी फुल आना उसमें बंद हो जाता कि इसमें भी गलत कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज आई थिंक वो हाईलाइट काफी काफी हेल्प किया था, मतलब PYQ सेशन में आई टू डिस्कस इट विद माय फ्रेंड एंड फिर उसमें देखते थे कि कहाँ गलत कर रहे हैं. अच्छा एक नॉन एकेडमिक बात बताओ सिमरन कि एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसा लगा कि जस्ट प्रायर टू द एग्जाम और इमीडिएटली ड्यूरिंग द एग्जाम और जस्ट आफ्टर द एग्जाम दैट यू रीड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू सडनली रिमेम्बर कि यू फील एज इफ देयर इज सम पर्टिकुलर टीचर हु इज जस्ट काइंड ऑफ स्पीकिंग दोज वर्ड्स एंड लिटरली टेलिंग द आंसर इन योर माइंड कि भाई ये तो पढ़ाया था तेरे को ये तो समझाया था टाइप्स ऐसा हुआ आपके साथ डेफिनेटली डेफिनेटली सर, मतलब क्योंकि भले ही इसमें ऐसा करते हैं कि नॉन टॉपिक्स कम थे इवनिंग वाली शिफ्ट में, बट जो थे ना जो लोग थे, अरे ये तो यही है बस, ये तो करो अब, इसमें इसमें टाइम सेव करो, वो जो होता है ना कि PYQ एक्चुअली सेव योर टाइम,
वाली बात हो जाती, तो उनको वही उधर लीड मिलती है पीवाईक्यू से, अग्रीड क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो हर जगह आते ही हैं, तो उन उधर मतलब लिटरली भले ही जैन मैम हो, भले आपके हो, प्रवीण सर की, मतलब उस टाइम पे मेरे को, क्योंकि थर्ड सेक्शन में पहले मेरे दो खराब गए, आई जस्ट होल्ड माई काम की ठीक है कोई बात नहीं, खराब जाता जाता है, थर्ड में मुझे लगा अब तो 80 क्वेश्चन हो गए, अब तो आई एम डूम्ड। उसके बाद प्रवीण सर कहते हैं डोंट एनालाइज योर पेपर वाइल यू आर गिविंग द पेपर, दिस थिंग अग्रीड रियली एकोड, आई स्टार्टेड पैनिकिंग, आई लिटरली मतलब वो सब सारा पाल्पिटेशन एंड ऑल, वो सबको हुआ है मेरे ख्याल में इस बार में पेपर में, ऑलमोस्ट सबको ही हुआ है, क्योंकि थोड़ा एक्सेंट्रिक था, वियर्ड था समथिंग, मतलब किसी पे ब्लेम करने का नहीं, बट ऑब्वियसली आई हैवंट प्रैक्टिस, मतलब इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ऐसे वाले कैटेगरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे, राइट जो मुझे खुद के लिए लगा, मतलब आई वाज लाइक ये भी एक कैटेगरी थी, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा ऐसा था सर, आई यूज्ड टू बी लाइक थोड़ा सा नेग्लिजेंट कि यार ये तो कम ही पूछेंगे, मतलब नीट में यू आर लाइक दैट, क्योंकि इनिसेट में चलो फिर भी पूछ लें, बट नीट में इट्स लाइक कि इतना एक्सेंट्रिक नहीं पूछते, तो बट इस बार थोड़ा सा हो गया ये था टिपिकल था थोड़ा उस सा। वजह, तो हाँ जी उस हाँ वजह जी से उन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वैसा वरीसम कर दे रहे थे, उस वजह से मेरा पेपर तो डिडंट वेंट एज आई एक्सपेक्टेड। बेनी, बट द रैंक ऑब्वियसली इज फैंटाबुलस सिमरन। अच्छा ये बात बताओ कि आई थिंक एवरीबडी नॉट ओनली फ्रॉम पीपल इन गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर बट ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान इनफैक्ट एवरीबडी अक्रॉस इंडिया इज वॉचिंग यू एट दिस टाइम। एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू वुड लाइक टू गाइड योर जूनियर्स बिकॉज यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट्स वन। You have managed to do after graduating from a private medical college, showing that you know breaking a barrier is possible. And third important thing is that you know you have kind of I mean I would say organized something which has going to be giving them a path. कि ये सीनियर है, ये हमारी दीदी है, हमारी मैम है, व्हाटएवर टर्मिनोलॉजी दे कैन यूज फॉर यू, बट हम इनको फॉलो करेंगे। इफ शी कैन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट। सो एनीथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू सर टेल देम कि भाई ये कर लेना और तुम भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील द सेल्फ डाउट थिंग, आई थिंक इट रियली ईट्स यू अप, एंड वो होता है कि कोई कितना भी बोल दे बट इट मतलब जाता नहीं, बट यू रियली आप, क्योंकि बात ये होती है कभी भी केपेबिलिटी कम नहीं होती, आई थिंक द मोर यू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू समथिंग यू गेट बेटर एट इट, तो इट इज एब्सोल्युटली ऑलवेज अबाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम, मतलब मैं भी खुद अगर प्राइवेट से हूं तो इट इज क्लियरली कि मैंने पहले वैसा नहीं पढ़ा था जैसा सब लोग बाहर के पढ़े हुए हैं, बट आई डिड मैनेज, क्योंकि इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट किया था, दूसरा आई थिंक बी हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, क्योंकि इंटर्नशिप में स्पेशली ना ऐसा होता है सर, क्योंकि अगर दिन चला जाएगा आप कार्ड जाओगे ना तो चला ही जाता है, एंड राइट देन यू आर लाइक देन यू फील स्लीपी, लाइक कुछ देख लेते हैं चिल कर लेते हैं, यू हैव दोज ऑप्शन एज वेल, बट यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर डे, मतलब कि ये अग्रीड मेरा ही दिन है और मेरे हाथ में है मुझे संभालना है, अग्रीड पढ़ाई भी करनी है तो मुझे करनी है, वो वाली चीज, बाकी कंसिस्टेंसी एंड ऑल वो तो अब क्या ही सेरवेल मैनेज कर लेता है, वो हम कर तो लेंगे, धक्का मार देंगे कंसिस्टेंसी हम। सच्ची में भी सर हो नहीं हो हम लोग ले आएंगे तुम्हारे कुछ ना कुछ, तो दैट यू विल सेल थ्रू। 100% 100% आई थिंक मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस अगेन सिमरन। And please do convey our sincere most regards to your family members as well, especially your parents. I think since you are in a joint family, so you would be having extended and bigger celebrations. Anytime you're visiting Delhi, we will Definitely be very happy to see you in person. Anytime we are visiting over there, we would definitely love to catch up with you. sir. Definitely sir. I was actually planning to visit Delhi soon. Anytime, anytime. So enjoy your time, enjoy your success. And we'll definitely cherish these memories that we are creating with all you wonderful young medicos out there. Thank you so much again and best wishes. Thank you so much, sir. Thank you so Thank you. much. God bless you. Bye-bye. Bye bye.